देश में कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन पर लोगों का लगातार मिल रहा है समर्थन। आखिर क्या है एकजुट देश की आवाज? जब न्यूज युग ने जाना तो देश में सबने एक स्वर में कहा कि जब कोरोना वायरस पर सारी दुनिया मिलकर लड़ रही है तो फिर हम क्यों पीछे। न्यूज युग को लगातार देश के कोने कोने से मिल रहे हैं कोरोना के खिलाफ एकजुट भारतवासियों के वीडियोस, जिनमें देश का हर एक व्यक्ति अपील कर रहा है कि सबको मिलकर लड़ना है इस महामारी से। आइए देखते हैं कोरोना के खिलाफ क्या कह रहा है देश। पास नहीं आइए, हाथ न लगाइए, कीजिए इशारा दूर दूर से, कीजिए नजारा दूर दूर से, दूरी बनाओ, कोरोना भगाओ। थैंक यू। एक एक घंटे में हमें हाथ धोते रहना चाहिए जिससे बीमारी फैले। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, बिना काम बाहर नहीं निकलना चाहिए और 1 घंटे में बार बार हाथ धोना चाहिए। जितनी पुरुषों की जिम्मेदारी उतनी हम गृहणियों की जिम्मेदारी है कि हम घर पर ही रहें और प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार उनकी पालना करें। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है, हम सबको इससे मिलकर लड़ना। जिस तरह से कोरोना वायरस ने इटली, स्पेन, चीन को अपने कब्जे में लिया है, अब इसके खूनी पंजे हमारे देश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मुख्य फार्मूला है सोशल डिस्टेंसिंग, इसको अपनाकर हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग घर में कैद हैं, 21 दिन का लॉकडाउन देश की सरकार ने किया है, हम बराबर में उसके साथ हैं, हम देश की सरकार का समर्थन करते हैं, कोरोना से लड़ेंगे। कोरोना को एक युद्ध की तरह लिया जा रहा है, हम सब इससे फाइट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिसका शीर्षक कोरोना है और मकसद केवल अपने देश के नागरिकों को सावधान करना है और घर पे रहने की अपील करनी है। अरे कोरोना आया रे, सबके मुंह पर देखो इसने मास्क लगाया रे, कोरोना आया रे, सबके मुंह पर देखो इसने मास्क लगाया रे, ओ आया कोरोना धामा धूम मचाई, आया कोरोना धामा धूम मचाई, चाइना के मॉडल ने सारे जग में आग लगाई, चाइना के मॉडल ने सारे जग में आग लगाई, जर्मनी इटली भी थर्राया रे, ओ जर्मनी इटली भी थर्राया रे, सबके मुंह पर देखो इसने मास्क लगाया रे, कोरोना आया रे, सबके मुंह पर देखो इसने मास्क लगाया रे। और देखो चिकन गुनिया, पहले जो बीमारी आई थी वो सब इस महामारी के पीछे हो गई है। चिकन गुड़िया स्वाइन फ्लू डेंगू इसने पीछे छोड़े, और चिकन गुड़िया स्वाइन फ्लू डेंगू इसने पीछे छोड़े, सावधान और घर पर रहना इसकी चेन को तोड़े, सावधान रहे घर पर रहे वही इसकी चेन को तोड़ेगा, इस वायरस की चेन को तोड़ेगा, घर पर रहे और घर पर ही रहे। चिकन गुड़िया स्वाइन फ्लू डेंगू इसने पीछे छोड़े, सावधान और घर पर रहना इसकी चेन को तोड़े, बस केवल बचाव ही उपाय बताया रे, अरे सबके मुंह पर देखो इसने मास्क लगाया रे, कोरोना आया रे, सर्दी खांसी और बुखार में आइसोलेट हो जाओ, सर्दी खांसी और बुखार में आइसोलेट हो जाओ, बार बार हाथों को धो बिल्कुल ना घबराओ, बार बार हाथों को धो बिल्कुल ना घबराओ, स्वच्छता का पालन सिखलाया रे, सबके मुंह पर देखो इसने और सबके मुंह पर देखो इसने मास्क लगाया रे, कोरोना आया रे, अरे कोरोना हाँ कोरोना आया रे, सबके मुंह पर देखो इसने मास्क लगाया रे। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं स्नेहा नंदवाना आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हाथों को बार बार धोइए, दूसरों के कांटेक्ट से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग और खुद का भी ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। जीतेगा इंडिया, हारेगा। धन्यवाद।
लो दो चार लाइना मुँह आपका सेवा में निवेदन करूं। जागो जागो मारा भाई, घबराया लोग लुगाई, कोरोना महामारी जी आई, सारा मिलकर करा उपाय, सरकार न बंद लगाई, उनको पालन कर लियो भाई, इमा ही संसार की भलाई छे, ईसु बद कर का कोई कोई नहीं की दवाई छे, ईसु बद कर का कोई नहीं की कोई दवाई छे, आपन सब मिल घर में रहवा, बार बार हाथा न धोवा, हाथ मलाबो छोड़ भाईला, एक मीटर दूर आसू बोला, सासा छे तो सब छे भाया, सासा छे तो सब छे भाया, इमाय काई को बचार छे, ईसु बद कर का कोई नहीं की दवाई छे, ईसु बद कर का कोई नहीं की दवाई छे। मित्राओ ई सब डर कोई की दवाई कोई न संसार में, आपन दूर दूर रहा, 21 दिन की बात छे। माननीय प्रधानमंत्री जी आपड़ा लाडला मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को खबो माना, सरकार की न माने, अरे तो अपना अपना जीव की तो सुनो, अरे अपना जीव की सुनर, अपन ही महामारी से लड़बा कारण 21 दिन घर में गुजर रजावा, तो यही से बड़ी कोई बात कोई न। मारो आग्रह मारो निवेदन आप सुने और माने, मारो अशोक आपका श्री चरणाम प्रणाम। जैसा की मैं कर रही हूँ, मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि सभी अपने आवश्यक कार्य लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए अपने घर पर ही निपटाएं, और सरकार को लॉकडाउन की परिस्थिति को सफल बनाने के में अपना योगदान दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन की घोषणा की है उसका अक्षर से पालन करें, फालतू में इधर उधर घूमे नहीं, अपने घर पर बैठे और अक्षर से पालन करें ताकि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।